हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के पहले प्रकार यानी PMMC इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के दूसरे प्रकार यानी डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग मूविंग कॉइल की श्रेणी में अगर हम लोग डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मूविंग पार्ट रहेगा यानी जो स्पिंडल रहेगा वो किस हिसाब से घूमेगा, वो वहाँ पे किसी कुंडली के हिसाब से घूमेगा। मतलब वहाँ पे कोई कुंडली मौजूद होगी और वो कुंडली मूव होगी और वो स्पिंडल मूव होगा, इसीलिए हम लोग इसको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब जब भी आप इसकी संरचना की बात करोगे ना, तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं इसकी संरचना PMMC इंस्ट्रूमेंट के समान ही रहती है। बस अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे हम लोग स्थायी चुंबक के स्थान पे कुंडली का इस्तेमाल करेंगे। कुंडली मतलब विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो कंप्लीट संरचना रहेगी वो संरचना PMMC इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से या वैसी ही रहेगी, और जो कार्यप्रणाली रहेगी वो कार्यप्रणाली भी PMMC इंस्ट्रूमेंट्स के जैसी ही रहेगी। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हुए हम लोग इसकी संरचना को और वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो संरचना रहती है ना, वो संरचना कैसी रहती है, यहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, कुंडली का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कुंडली रहेगी ना, उस कुंडली को भी हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, इस हिसाब से देखिए ना, ऐसा क्यों करा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हम लोग PMMC इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे तो उस टाइप पे हमने क्या करा था कि हमने स्थायी चुंबक ऐसे रखी थी। देखिए ना, एक तो इस साइड और एक इस साइड, और बीच के अंदर हमने मूविंग कुंडली को रखा था। तो यहाँ पे ये जो दोनों की दोनों स्थायी चुंबक है ना, ये स्थायी चुंबक इस उपकरण में नहीं है, पर इनके स्थान पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, विद्युत चुंबक लगा रहे हैं। तो विद्युत चुंबक सेम वैसे की वैसे ही हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों कुंडलियाँ हैं, ये दोनों की दोनों कुंडलियाँ क्या हैं, स्थायी हैं यानी फिक्स हैं, ये मूव नहीं करेगी। और ये दोनों की दोनों कैसे कार्य करेगी, एक विद्युत चुंबक के समान कार्य करेगी। अब जो स्पिंडल रहेगा ना इसका, वो स्पिंडल यहाँ पे कहीं पे रहेगा, देखिए ना इस हिसाब से, ऐसे कुछ। ठीक है, और इस जगह पे प्रेजेंट रहेगा। अब इसके ऊपर क्या रहेगी, वो जो मूविंग कुंडली हम लोग बोल रहे हैं ना, वो मूविंग कुंडली यहाँ पे कहीं पे इसके ऊपर लपेटी हुई रहेगी। ठीक है, और अब इस स्पिंडल के ऊपर नियंत्रक बल लगाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्प्रिंग लगा देंगे। वो स्प्रिंग ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में लगती है, अपने को ध्यान है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप संरचना की बात करोगे तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंटर रहेगा और यहाँ पे कहीं पे स्केल रहेगी। ऐसी कुछ संरचना रहती है किसकी, मूविंग कॉयल टाइप डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, अब जैसे अगर आप आगे की बात करो तो उससे पहले अपने को क्या चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हमने ये जो दोनों की दोनों कुंडलियाँ बनाई है ना, ये कुंडलियाँ कौन सी है, ये फिक्स कुंडली है, ये फिक्स कुंडली है, और ये कौन सी कुंडली है, ये मूविंग कुंडली है। ठीक है, यानी जो मूव होएगी। ठीक है, अब इस कुंडली में से जो धारा जाएगी उसको अगर आप I1 बोल रहे हो या IF बोल रहे हो, और इस कुंडली में से जो धारा जाएगी उसको हम बोल रहे हैं IM यानी मूविंग धारा। अब जैसे अगर आप इसकी कार्यप्रणाली की बात करते हो ना, ठीक है, तो कार्यप्रणाली में आप क्या करोगे, इसको या तो वोल्टमीटर बनाओगे या एमीटर बनाओगे या वाटमीटर बनाओगे। किसी भी केस के इंस्ट्रूमेंट की जब भी आप बात करोगे ना, जब भी ये इंस्ट्रूमेंट उस वैसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा जैसे एमीटर बनता है या वोल्टमीटर बनता है, तो ये क्या करेगा, जो भी सर्किट है उस सर्किट के अंदर क्या होएगा, कनेक्ट होएगा। ठीक है, सर्किट में जैसे ही कनेक्ट होएगा तो इसके अंदर ये दोनों की दोनों धाराएं क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे ही IF प्रवाहित हुई ना, तो IF क्या करेगी, इसको और इसको, इन दोनों कुंडली को क्या बना देगी, ये एक विद्युत चुंबक बना देगी। ठीक है, और उस विद्युत चुंबक के मध्य में ये कुंडली रहेगी, इस कुंडली के अंदर भी क्या रहेगी, धारा प्रवाहित होती भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी स्थिति पैदा होगी, यहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा होगी कि यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक कुंडली रख रखी है जिसके अंदर धारा है, प्रवाहित हो रही है धारा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपने क्या पता है कि जब भी अगर आप किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो ना, तो उस धारावाही चालक के ऊपर क्या लगता है, एक बल लगता है, और वो बल क्या करता है, उस धारावाही चालक को
उस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये कुंडली इस क्षेत्र से बाहर आने की कोशिश करेगी और ये बाहर आते हुए क्या होगी, रोटेट करने लग जाएगी। और जब भी ये रोटेट होगी तो उसके साथ स्पिंडल लगा हुआ है तो स्पिंडल भी रोटेट होगा, और स्पिंडल रोटेट होगा तो उसके साथ पॉइंटर लगा हुआ है तो पॉइंटर भी क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा यानी विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, विक्षेपित होने के बाद वो रुकना कहाँ है वो कौन निर्धारित करेगा, ये स्प्रिंग निर्धारित करेगी। अब क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग नियंत्रक बल लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, वो जो पॉइंटर है उसको किसी भी नियत वैल्यू पर जाके क्या कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ये कार्य करते हैं। संरचना देखी, संरचना PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट की जैसी की जैसी थी, और अगर आप कार्यप्रणाली भी देखोगे तो सेम PMMC के समान ही होगी। बस अंतर कहाँ आ गया, अंतर यहाँ पे आ गया कि वहाँ पे कार्यप्रणाली और संरचना के अंदर जो जो काम स्थायी चुंबक का था ना, वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये कुंडलियाँ कर रही है यानी ये विद्युत चुंबक कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इनके बलों की बात करते हैं तो पहला बल जो लगता है मीटर के अंदर, सूचक यंत्रों के अंदर, वो सूचक यंत्रों में पहला बल कौन सा होता है अपने को पता है, डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग यानी विक्षेपक बल, विक्षेपक बल। ठीक है, या फोर्स, ये क्या करता है, ये करता है उस पॉइंटर को ये अपने स्थान से आगे ले जाता है। ठीक है, अब अपने को क्या पता है ये आगे कब गया, ये आगे तब गया जब इन दोनों कुंडलियों के द्वारा एक क्षेत्र उत्पन्न किया गया और उस क्षेत्र के अंदर इस कुंडली के अंदर से क्या कर दी अपन ने, धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र उसका घनत्व अपने को पता होना चाहिए, तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के घनत्व यानी चुंबक के घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने को पता है बी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। और ये जो बी है ना, ये बी किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर कर रहा है, इस कुंडली में से प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर, यानी ये जो बी है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, IF के समानुपाती होगा। अगर आप इस समानुपात के चिन्ह को हटाओगे तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, बी बराबर के इंटू IF हो जाएगी। ठीक है, ये के क्या है, ये के है नियतांक। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे क्या, चुंबकीय घनत्व अपने को पता चल गया। अब इसके बाद अगर आप बात करते हो कि यहाँ पे बल कितना लगेगा, तो अपने को क्या पता है कि जब भी किसी भी धारावाही चालक के अंदर से, चालक को अगर आपने किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा ना, तो उसके अंदर एक बल लगता है जिसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, BIL से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल रहेगा उस बल को आप कैसे लिखोगे, बल बराबर आप लिख सकते हो BIL। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, आई क्या है धारा, एल क्या है लंबाई, और आई यानी ये धारा इस मूविंग वाले चालक या कुंडली में से कितनी जा रही है अपने को पता है, IM। ठीक है, तो बल क्या हो गया, एम गुणा बी, सॉरी बी गुणा IM गुणा एल हो गया। अब अगर हम लोग हमारी एक तरीके से जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको अगर हम लोग थोड़ा सा सरल बनाना चाहें, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो कुंडली है ना, इस कुंडली को हम लोग मान लेते हैं कि ये आयताकार है। कैसी है, आयताकार है। इसकी लंबाई कितनी है, एल है, जो अपन ने यहाँ पर मान ही रखी है, और चौड़ाई हमने मान ली कितनी है, बी है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये बोल दिया कि ये जो टर्न है ना, ये जो भी अपन ने कुंडली लपेटी है इसके एन टर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बल की अगर आप बात करोगे, एन टर्न में कितने बल हैं, तो आप लिखोगे बल बराबर एन बी आई एम इंटू एल। ठीक है, और पूरे के पूरे अगर आप चालक को कवर करोगे तो यहाँ पे अपने को टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है अपने को पता है, टॉर्क होता है क्या होता है, बल गुणा क्या, परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल कितना है, एन गुणा बी गुणा एम एल गुणा, यहाँ पे जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, बी है, तो बी आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, यानी ये जो L इंटू बी है ना, ये क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे IM हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे N हो गया। अब अपने को B का मान क्या पता है, B का मान पता है अपने को N गुणा K गुणा IF है ये, ऐसे करके ये अपने पास टॉर्क डिफ्लेक्टिंग आ गया। ठीक है, इस चीज़ को, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिस्कस करा, इसको डिटेल में हमने लास्ट का जो टॉपिक था उसके अंदर भी डिस्कस करा था, आप और अच्छे समझने के लिए उस टॉपिक के अंदर जा सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर आप आगे की बात करोगे ना,
तो अपने को क्या पता है, देखिए ना, अगर आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करोगे तो ये क्या टर्न है, ठीक है, ये टर्न हमेशा जब भी आपने कोई मीटर बना लिया ना तो ये टर्न कैसे रहेंगे, हमेशा नियत रहेंगे, ठीक है। ये नियतांक है तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी, और जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, यानी विक्षेपक बल है ना, टॉर्क है ना, ये किसके ऊपर, किसके समानुपाती हो गया, आई एम गुणा आई एफ के, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना, विक्षेपक टॉर्क आ गया। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप क्या नोट करोगे कि इसके बाद जो बल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को पता है, इसके बाद जो बल आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, यानी नियंत्रक बल। क्या बोल रहे हैं हम लोग, नियंत्रक, नियंत्रक बल या कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रदर्शित करते हैं, टीसी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कौन सी कंट्रोलिंग टॉर्क लगा हुआ, अपने को पता है यहाँ पे स्प्रिंग, यानी जो टीसी है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, थीटा के, ठीक है, किसके समानुपाती हो जाएगा, थीटा के हो जाएगा। अब अपने को क्या पता है कि नियंत्रक बल इस कभी भी किसी भी मीटर के अंदर, नियंत्रक बल जब भी विक्षेपक टॉर्क के बराबर होता है ना, यानी नियंत्रक टॉर्क अगर विक्षेपक टॉर्क के बराबर होता है तभी वो पॉइंटर किसी स्थान पे रुकता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टी सी है वो कैसे रहेगा, वो बराबर रहेगा टी डी के। अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या पाओगे कि जो थीटा है वो किसके समानुपाती हो गया, थीटा, देखिए पहले तो थीटा इसके समानुपाती है टी सी के, और टी सी किसके बराबर है, टी डी के, और टी डी क्या है, आई एम गुणा आई एफ, यानी ये इसके समानुपाती हो गया। तो ये क्या आ गया, विक्षेपक सॉरी नियंत्रक बल आ गया। अब इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये जो मीटर है, इस मीटर को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, या तो वोल्ट मीटर या मीटर या फिर वाट मीटर, ठीक है। सपोज अगर आप इस मीटर को इस्तेमाल करते हो कैसे, अमीटर की तरह, कैसे करते हैं हम लोग, अमीटर की तरह, जैसे मैंने बोल दिया अमीटर, तो अमीटर कैसे कार्य करेगा, ये अमीटर की तरह ऐसे कार्य करेगा कि जैसे ये लाइन जा रहा है, ये फेज जा रहा है, ये क्या जा रहा होगा, न्यूट्रल जा रहा होगा। तो अमीटर में क्या होता है कि हम लोग फेज के श्रेणी क्रम में अमीटर को या मीटर को लगाते हैं, ठीक है। तो फेज के श्रेणी क्रम में कैसे लगेगा, ये मूविंग स्थिर कुंडली, ये स्थिर कुंडली। अब जो अस्थाई अस्थिर कुंडली होगी ना, वो यहीं से ऐसे कुछ कनेक्टेड रहेगी, ऐसे करके धारा चल जाएगी, ये फेज जा रहा है, ये न्यूट्रल जा रहा है, यहाँ पे धारा जा रही है, कौन सी धारा जाती है स्थिर कुंडली में, आई एफ जाती है, और जो मूविंग कुंडली उसके अंदर कितनी जाती है, अपने को पता है आई एम जाती है। आप यहाँ पे क्या नोट कर पाओगे, ये क्या है, एमीटर है, तो एमीटर के केस के अंदर आप क्या नोट कर पाओगे, ये जो धारा है ना आई एफ किसके श्रेणी क्रम में है, आई एम के श्रेणी क्रम में है, यानी आई एफ बराबर क्या हो गया, आई एम हो गया। ये दोनों बराबर है तो आप क्या नोट कर पाओगे, जो थीटा है ना वो किसके समानुपाती हो गया, किसी भी एक धारा, जैसे आई एम, आई एफ की जगह अगर आप आई एम रखते हो तो आई एम गुणा आई एम, यानी ये क्या आ जाएगा, आई एम का स्क्वायर आ जाएगा। यानी आप क्या पाओगे कि अगर आपने मीटर की, इसको मीटर की तरह इस्तेमाल करा ना, तो यहाँ पे थीटा किसके समानुपाती हो गया, आई एम के स्क्वायर के समानुपाती हो गया। इसका मतलब इस केस के अंदर कौन से डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के अगर आप एमीटर बनाते हो तो यहाँ पे जो ये स्केल रहेगी ना, ये स्केल कैसी रहेगी, समान नहीं रहेगी, यानी स्केल, स्केल कैसी रहेगी, असमान रहेगी, यानी ये के इसके जो खाने आपने बना रखे हैं वो खाने कैसे रहेंगे, कम ज़्यादा दूरी वाले रहेंगे। अब इसके बाद अगर आप वोल्टमीटर की बात करते हो, देखिए ना किसकी बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग वोल्टमीटर की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर के केस में क्या होगा, भाई वोल्टमीटर के केस में क्या होएगा, यहाँ पे फेज होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, और इसके बीच में मीटर लगता है, ठीक है, इसके बीच में मीटर लगता है। कैसे लगेगा वो मीटर, वो मीटर भी ऐसे ही कुछ लगेगा, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कुंडली लगा दी, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वापस से कुंडली लगा दी, यहाँ से ये कुंडली,
ठीक है। और अपने को पता क्या है कि ये जो मीटर रहता है ना, इसका जो प्रतिरोध रहता है वो अनंत रहता है, तो अनंत करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया। अब जो धारा रहेगी ना, वो धारा यहाँ से प्रवाहित होगी IF, और इसके अंदर कितनी जाएगी IM। आप क्या नोट करोगे कि ये जो धारा है ना, ये धारा देखिए वापस से इसके श्रेणी क्रम में है, यानी आप यहाँ पे भी क्या देखोगे IF बराबर IM, वो का वो केस। इसका मतलब क्या होगा कि इस केस के अंदर भी जो थीटा है ना, वो थीटा किसके समानुपाती हो गया IM के स्क्वायर के समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि आप भले से एमीटर बना लो, भले से वोल्टमीटर बना लो, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से आप हमेशा जो स्केल रहेगी ना, आपको जो स्केल मिलेगी वो कैसे मिलेगी, असमान मिलेगी। क्या मिलेगी, असमान मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मीटर कैसे कार्य करेंगे, एक वोल्टमीटर या फिर एक एमीटर की तरह कार्य करेंगे। अब जैसे अगर आप यहाँ पे अवमंदन की बात करते हो ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी अपन PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो चुंबक थी ना, वो चुंबक स्थायी चुंबक थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे कौन सा अवमंदन इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग एडी धारा अवमंदन इस्तेमाल कर रहे थे। पर यहाँ पे जो चुंबक है ना, वो स्थायी चुंबक नहीं है, वो कौन सी है, विद्युत चुंबक है। और विद्युत चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है ना, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, यानी फिक्स नहीं रहता। वो किस पे निर्भर करेगा, वो हमेशा जो भी मीटर के अंदर धारा आ रही है ना, उस धारा के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो धारा जैसे जैसे चेंज होगी ना, चुंबकीय क्षेत्र भी वैसे वैसे चेंज होगा। और चुंबकीय क्षेत्र अगर चेंज होएगा ना, तो उसके ऊपर निर्भर जो भी चीज़ है, जैसे अगर आपने एडी धारा अवमंदन लगा दिया ना, तो वो अवमंदन का जो प्रभावशीलता रहेगी ना, वो भी क्या होगी, चेंज होएगी। और वो मीटर का जो अवमंदन है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप अवमंदन के केस में, यानी अवमंदन यानी डैम्पिंग की अगर आप बात करो, तो आप एडी धारा को इस्तेमाल नहीं करोगे। किसको इस्तेमाल नहीं करोगे, एडी धारा को इस्तेमाल नहीं करोगे। एडी धारा अवमंदन इस्तेमाल क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्थायी चुंबक नहीं लगा रखी है, यहाँ पे हमने विद्युत चुंबक लगा रखी है। और विद्युत चुंबक की जो चुंबकत्व है, वो धारा पे निर्भर करता है, और धारा कभी भी सर्किट के अंदर से नियत नहीं रहती, ठीक है। तो धारा कम ज़्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र कम ज़्यादा होगा, तो ये जो अवमंदन है, ये भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो आप कभी भी एडी धारा अवमंदन का उपयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसके बाद क्या आती है कि जो जब भी आप डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे ना, तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप नोट कर पाओगे, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी जो ध्रुवता है ना, चालकों की, चालक के अंदर जब भी धारा प्रवाहित हो रही, तो किसी भी प्रकार की ध्रुवता हो, मीटर की कार्यप्रणाली पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आप इधर से धारा प्रवाहित करो, चाहे इधर से धारा प्रवाहित करो, मतलब उसकी ध्रुवता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर कभी भी ध्रुवता का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, इसका मतलब वो जो मीटर है, उस मीटर को आप दोनों प्रकार की धाराओं के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब AC पे भी और DC के ऊपर भी। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास कुछ पॉइंट्स आएंगे जो इसके लाभ भी होंगे और कुछ उसमें से हानियाँ भी होगी, ठीक है। तो अगर आप लाभ की बात करते हो ना, तो यहाँ पे जो एडवांटेज यानी लाभ रहेंगे, वो लाभ रहेंगे क्या, लाभ तो यही रहेगा कि ये AC व DC दोनों में कार्य करेगा, दोनों में कार्य करेगा, ठीक है। ऐसे हानियों की अगर अपन बात करेंगे, हानि क्या है यहाँ पे, हानि क्या है, हानि ये है कि यहाँ पे जो परास या परिधि या फिर जो स्केल है, असमान है, ठीक है। इसके अलावा हानि क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप PMMC से तुलना करते हो ना, तो PMMC की जो तो वो जो संरचना थी ना, वो संरचना कैसी थी, वहाँ पे आपने सिर्फ स्थायी चुंबक लगा दिए थे, यहाँ पे आपने स्थायी चुंबक के स्थान पे क्या लगाई है, कुंडली, जो कि किसकी बनती है, तांबे की बनती है। तो इसकी जो संरचना रहेगी, उसकी तुलना में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी रहेगी, और क्या रहेगा, ये उसके तुलना में क्या रहेंगे, महंगे भी रहेंगे। तो ये भी इसकी एक हानि हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, ये महंगे रहेंगे उपकरण,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे दक्ष जो अवमंदन की प्रणाली है एडी धारा प्रणाली, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहा हूँ, एडी धारा अवमंदन का उपयोग नहीं, ठीक है। मतलब ये इसकी तीन हानियाँ हो गई, कौन कौन सी, एक तो देखिए ना यहाँ पे स्केल असमान है यानी परास असमान है, महंगे हैं, उसके अलावा एडी धारा अवमंदन का उपयोग नहीं हो पा रहा है जो कि सबसे दक्ष प्रकार का अवमंदन है। ये दोनों की दोनों चीज़ें, ये देखिए ये तीनों की तीनों चीज़ें, यानी अगर आप पीएमएमसी को पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पे स्केल समान थी, महंगे भी नहीं थे वो, और एडी धारा अवमंदन का भी उपयोग हो रहा था। तो इसकी तुलना में वो जो इंस्ट्रूमेंट थे ना इससे पहले वाले मूविंग कॉइल, वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। लाभ की बात करोगे तो ये क्या है, एसी व डीसी दोनों में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एक और लाभ रहता है इसका, क्या लाभ रहेगा कि क्योंकि ये जो कुंडलियाँ हैं ना, ये जो स्थायी कुंडलियाँ हैं, ये दोनों की दोनों कुंडलियाँ आप किसी लोहे के ऊपर नहीं बांध रहे हो, ठीक है। किसके ऊपर नहीं बांध रहे हो, किसी लोह धातु के ऊपर नहीं बांध रहे हो, तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस क्षति है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हिस्टेरेसिस क्षति नहीं होगी, मतलब या तो नहीं होगी या बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये इसके दो लाभ हो जाते हैं किसके, डायनामोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। होप आज जो अपन ने डिस्कस करा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने क्या डिस्कस करा कि ये जो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, सेम पीएमएमसी जैसे रहते हैं, सिर्फ अंतर इतना सा रहता है कि यहाँ पे हम लोग स्थायी चुंबक के स्थान पे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। सिर्फ विद्युत चुंबक का उपयोग करने भर से यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। क्या परिवर्तन होता है कि इसके स्केल असमान हो जाता है, क्या होता है, स्केल असमान हो जाता है, ये महंगे हो जाते हैं, इसके अंदर एडी धारा अवमंदन का उपयोग नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्योंकि वो जो अपन ने विद्युत चुंबक इस्तेमाल करी है, वो विद्युत चुंबक का अपन ने किसी लोह धातु के ऊपर नहीं करी है, तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस क्षति भी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो मीटर हैं, ये एसी व डीसी दोनों के अंदर कार्य करते हैं, पीएमएमसी नहीं करते हैं, ठीक है। होप जो आज अपन ने डिस्कस करा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।